Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerana Coaching Academy. Children, today I am going to continue with the chapter Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement for Class 12 History. This is part 2 for this chapter. I have already uploaded part 1. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है और मेरी जो बाकी वीडियोस है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के और इंग्लिश के, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वो लिंक्स भी चेक कर सकते हो. और आप अगर पार्ट 1 के लिए आई बटन को क्लिक करोगे तो भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो आप पहले वो वीडियो देखो और फिर आप ये सेकेंड पार्ट देखो, ताकि कंटिन्यूएशन में आपको चैप्टर समझ में आए. But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon, ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ज्यादा टिप्स के लिए, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए. मेरी आईडी है kavita.chauhan.9279. So let's start with today's class. In this video, I would begin with the Salt Satyagraha. Salt Satyagraha एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का. सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया महात्मा गांधी ने. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब कॉल ऑफ हुई थी 1922 में, उसके बाद कुछ टाइम तक महात्मा गांधी ने अपने आप को इन्वॉल्व रखा. सोशल जो अपना वेलफेयर वो करना चाहते थे, या जो आप कह सकते हो सोशल वर्क जो वो करना चाहते थे, उसमें वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे. सो फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी फोकस्ड ऑन हिज सोशल रिफॉर्म वर्क. In 1928, Simon Commission was sent to inquire into conditions in the colony. 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था. साइमन कमीशन को इसलिए भेजा गया था ताकि, and since it was headed by Sir John Simon, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं. इसको इसलिए भेजा गया था इंडिया में ताकि जो भी यहाँ पे सिचुएशन थी, कंडीशंस थी, उनको ये स्टडी कर सके. In December 1929, the Congress held its annual session in Lahore. जब साइमन कमीशन भारत आया तो it was opposed by the Indians, और लोगों ने नारे लगा के इसको वापस जाने के लिए बोला था, go back साइमन के. इनफैक्ट लाला लाजपत राय got injured during this protest also, and later on he died. So साइमन कमीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि इंडियंस को लगा कि ये, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर इंग्लिशमैन. उसके बाद कांग्रेस ने अपना एनुअल सेशन किया लाहौर में 1929 में. पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड एज द गोल एंड ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड. जब ये लाहौर सेशन हुआ उसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया एज अ गोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस. 26 जनवरी 1930 को. और यहीं पे एक 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है आपका कि 26 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है इस डेट की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में. जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था बनके, तो हालांकि वो तैयार हो गया था नवंबर एंड में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को. वो इसलिए क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल डिक्लेयर हुआ था और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. सो टू मार्क द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे, लेटर ऑन 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया. गांधी जी वॉन्टेड इट टू बी सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड सिटीज. सब जगह चाहते थे महात्मा गांधी कि इसको सेलिब्रेट किया जाए. सून आफ्टर दिस महात्मा गांधी अनाउंस्ड ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ये जब हुआ इसी के बीच में एक और डिसीजन आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया कि नो इंडियन कुड मैन्युफैक्चर सॉल्ट. और इसलिए जब ये ऐसा हुआ तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट मार्च लीड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी थी जिसको अमीर और गरीब सब खाते थे, और क्योंकि सॉल्ट पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया, सो नाउ इट वाज गोइंग टू बी अनअफोर्डेबल फॉर द पुअर पीपल इन आवर कंट्री. तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो एक मार्च करेंगे, और जिसको सॉल्ट मार्च के नाम से बाद में जाना गया, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ये जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया था सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इसको वो ब्रेक करना चाहते थे. इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल, येट पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग इट. जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी थी कि सबको चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसको फॉरबिड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. On 12 March 1930, he began walking from his ashram in Sabarmati तो जो ये सॉल्ट मार्च था, ये साबरमती आश्रम जो था महात्मा गांधी का, वहां से शुरू किया गया। He reached दांडी 3 weeks later and made a fistful of salt. साबरमती से दांडी गए महात्मा गांधी, उनके साथ साथ उनके फॉलोअर्स भी थे, और वहां जाके उन्होंने मुट्ठी भर सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा, उस कानून को तोड़ा। पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वर बीइंग कंडक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो एक मेन मार्च था जो सॉल्ट वाला जो महात्मा गांधी कर रहे थे, इसके अलावा दूसरे भी जो पार्ट्स थे हमारी कंट्री के, वहां पे भी लोगों ने इस तरीके के मार्च निकाले और इस लॉ को तोड़ा। पेजेंट्स ब्रीच्ड द फॉरेस्ट लॉज। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में क्या एक और जो आप कह सकते हो यूनिक बात थी, वो ये थी कि हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट लोग रहते थे, जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो जो वहां पे लोग रहते थे उनकी डिमांड्स बिल्कुल अलग थी, और जो लोगों का पार्टिसिपेशन का तरीका था वो ये था कि वो अपने वहां के जो लॉ होते थे उनको ब्रेक करके इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। तो जो फॉरेस्ट को जैसे रिजर्व कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट, और रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी उनकी एंट्री पे, फॉरेस्ट वो नहीं फ्रीली जा सकते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा। फैक्ट्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, उनको वेजेस नहीं मिलते थे प्रॉपरली, तो उन्होंने स्ट्राइक करके अपने गुस्से को दिखाया, या इस कानून को तोड़ने का एक तरीका उनके लिए यही था। As in 1920-22, now too in Gandhiji school had encouraged Indians of all classes to show their discontent. जब 1922 में हुआ था मूवमेंट, तब भी गांधी जी के कहने पर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन दैट इन डिफरेंट वेज, लेकिन एक यूनिटी थी, मतलब जो दिखाई दे रही थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के रूप में। यहाँ पे भी इस वक्त भी ऐसा ही किया लोगों ने। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज द सॉल्ट मार्च नोटेबल? क्या कारण था कि सॉल्ट मार्च जो था इतना इम्पोर्टेंट इवेंट बना हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का? क्या चीजें हैं जो हमें मतलब उसकी तरफ ध्यान दिलाती है? फर्स्ट, दिस इवेंट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। मतलब अब जो ये टाइम था, इस मार्च की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिली महात्मा गांधी को, और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको मतलब लोगों का ध्यान गया महात्मा गांधी की तरफ। इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। क्लास 10th में भी एक क्वेश्चन आता था, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन सॉल्ट मार्च, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि औरतों ने इतनी लंबी, आप ये कह सकते हो लार्ज नंबर में या बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सॉल्ट सत्याग्रह में। थर्ड पॉइंट, इट वाज द सॉल्ट मार्च व्हिच फोर्स्ड अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। पहली बार आप कह सकते हो अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि उनका जो ये कंट्रोल था इंडिया पे, या जो ये उनका रूल था, ये अब हमेशा चलने वाला नहीं था। So these are the three points which make the Salt March notable. Now the British government convened a series of round table conferences in London. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जाएं और वहां पे डिस्कशंस हो, मतलब अब वो उनको इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। गांधी जी, क्योंकि ये जो सॉल्ट मार्च था उसके बाद जब उनको ड्यूरिंग दैट जेल में डाला गया था, तो अभी उनको रिलीज किया गया। सो ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन जनवरी 1931 एंड ही हैड सेवरल मीटिंग्स विद द वाइस रॉय। काफी सारी उन्होंने मीटिंग्स की उस वक्त के वाइस रॉय के साथ, और गांधी इरविन पैक्ट उस वक्त साइन हुआ 1931 में। क्या क्या पॉइंट्स थे गांधी इरविन पैक्ट के, इसमें भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी कि नॉट टू ओबे द लॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो कॉल ऑफ करेंगे, वो ऐसा इसमें पॉइंट था। सेकेंड, ऑल प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड, मतलब सारे के सारे जो प्रिजनर्स थे वो रिलीज किए जाएंगे, तो मतलब दोनों तरफ से कुछ पॉइंट्स है जो एक्सेप्ट किए गए यहाँ पे। थर्ड वॉज सॉल्ट मैन्युफैक्चर वॉज अलाउड अलॉन्ग द कोस्ट। सो हमारे जो कोस्टल रीजन्स थे उनमें अलाउ किया गया कि लोग जो थे डोमेस्टिक पर्पज के लिए या सेल पर्पज के लिए सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो ये है गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट वाज हेल्ड इन लंदन इन लेटर पार्ट ऑफ 1931। तो मतलब ये तो शुरू में हुआ था, अब जो लास्ट वाला पार्ट था इस साल का 1931 का, उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इट वॉज इनकनक्लूसिव, मीन्स कोई भी उससे कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब टॉक्स फेल्ड, कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस. और क्योंकि ये टॉक्स फेल हुई तो महात्मा गांधी जब वापस आए तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से कंटिन्यू किया. उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड. तो ये जो एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने 1935 में, इट प्रॉमिस्ड सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि कुछ अब जो आप कह सकते हो रोल मिला इंडियंस को एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के फॉर्म में, मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंडियंस के वो भी गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, और या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगी और जिसमें इंडियंस होंगे. 2 years later elections were held and these were held on the basis of a restricted franchise. franchise का मतलब होता है राइट टू वोट. तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया गया. उसके 2 साल बाद इलेक्शंस हुए रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज में, मतलब राइट टू वोट दिया गया इंडियंस को, लेकिन सबको नहीं दिया गया, लिमिटेड फॉर्म में दिया गया. और कांग्रेस ने इन इलेक्शंस में कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की. और आप कह सकते हो कि आउट ऑफ 11 8 प्रोविंसेस हैड अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर. तो ये हुआ 1935 के एक्ट के बाद जब वो पास किया गया. एंड नाउ आई वुड डिस्कस अबाउट द क्रिप्स मिशन एंड माउंटबेटन प्लान. एंड उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, मतलब कैसे हमें इंडिपेंडेंस डे कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, वो मैं अब कंटिन्यू करूंगी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन सेप्टेम्बर 1939 and the Congress, or you can say Mahatma Gandhi and Pandit Nehru, they were critical of Hitler and the Nazis. So they promised Congress support to the war efforts if the British in return promised to grant India independence once these hostilities ended. So इस नोट पे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए अग्री किया ड्यूरिंग द वॉर. यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में. जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए इंग्लैंड गए थे तो वहां पे उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस, इट रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव थी कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. बट दिस वाज चैलेंज्ड बाय द मुस्लिम लीग एंड इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज. 1940 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने ये डिमांड किया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी हमारे देश की, ये सिर्फ कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं थी, बल्कि इट हैड बिकम अ 3-वे स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिश, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. ये वो टाइम था जब ब्रिटेन हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट, और जो वहां के लेबर पार्टी के मेंबर्स थे गवर्नमेंट में, दे वर सिंपैथेटिक टू इंडियन एस्पिरेशंस. तो इंडिया जो भी, मतलब इंडियंस की डिमांड्स थी उनके तरफ आप कह सकते हो उनका एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड था. विंस्टन चर्चिल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उनको परसुएट किया गया एंड ही अग्रीड टू सेंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू इंडिया टू फोर्स टॉक्स विद महात्मा गांधी. तो सर क्रिप्स यहाँ पे आए और इसको क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जाना गया. बट द टॉक्स फेल्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड सर Stafford Cripps, and after this Mahatma Gandhi decided to launch his 3rd main movement. पहली थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और अब उन्होंने यहाँ पे अपनी 3rd मेजर मूवमेंट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया. एंड दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. दिस मूवमेंट बिगेन इन ऑगस्ट 1942. He was jailed, Mahatma Gandhi was jailed, but the other young activists, they organized strikes and acts of sabotage all over the country. पूरे देश में ये मूवमेंट फैली एंड इट वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट, और एक ये मास मूवमेंट उभर के सामने आई. However, while the Congress leaders were in jail, Jinnah and his colleagues worked at expanding their influence. तो इस वक्त कांग्रेस लीडर्स तो जेल में थे, लेकिन दूसरी जो पार्टी थी जिन्ना की, उन्होंने और उनके जो दूसरे कलीग्स थे उन्होंने इस टाइम का यूटिलाइज किया इस टाइम को अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए. द लीग बिगेन टू मेक इट्स मार्क इन द पंजाब एंड सिंध. पंजाब एंड सिंध के जो एरियाज थे और जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुई। जून 1944 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब जेल हो गई थी महात्मा गांधी को, तो जून 1944 में ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल एंड लेटर दैट ईयर ही हेल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स विद जिन्ना। काफी सारी उन्होंने मीटिंग्स की जिन्ना के साथ ताकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये एक गैप बढ़ता जा रहा था इसको कम किया जा सके। और यही वो टाइम था 1945 का जब एक जो गवर्नमेंट बनी ब्रिटेन में, दैट वाज अ लेबर पार्टी गवर्नमेंट एंड इट वाज कमिटेड और इट कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। लेबर पार्टी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट यहाँ पे की कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाएंगे या इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे। 1946 में फ्रेश इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के एंड द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे वो मुस्लिम्स के लिए। तो जो रिजर्व्ड सीट्स वाले एरियाज थे या सीट्स थी उनपे मुस्लिम मेजोरिटी वन ओवरवेलमिंगली। ओवरऑल जनरल कैटेगरी में कांग्रेस स्वेप द पोल बट इन द रिजर्व्ड कैटेगरी मुस्लिम लीग वन विद लॉट्स ऑफ सपोर्ट। और इसकी वजह से ये वो टाइम था जब इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया, मतलब क्लियर कट एक डिवीजन हो गई या आप कह सकते हो ग्रुप्स हो गए दो कम्युनिटीज के। ये हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दे सेंट कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया, क्योंकि अब ये वो टाइम था जब इंडिपेंडेंस के बारे में फाइनल कॉल ली जानी थी। So Cabinet Mission Plan was sent in the summer of 1946, but it failed to get Congress and Muslim League agree on a federal system keeping India together while allowing the provinces a degree of autonomy. तो ये जो यहाँ पे Cabinet Mission Plan के अंदर ये proposal दिया गया कि एक federal structure follow करें इंडिया और पाकिस्तान, मतलब सॉरी पाकिस्तान का वर्ड मैं यहाँ यूज नहीं करूंगी, इंडिया यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक एक्सेप्ट करें इस चीज के लिए कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर विल बी एस्टेब्लिश्ड और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी उसको ध्यान में रखा जाएगा, मतलब काफी हद तक उनको प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी लेकिन इंडिया एक रहेगा। ये यहाँ पे टॉक्स की गई लेकिन ये टॉक्स भी फेल हो गई एंड जिन्ना कॉल फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो अब जिन्ना ने कॉल दी डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। ऑन 16 अगस्त 1946 का ये दिन था। पूरे देश में धीरे धीरे दंगे होते चले गए। सो राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, सबसे पहले कलकत्ता में शुरू हुए। उसके बाद दिस वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, टू बिहार, टू यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड दी पंजाब। तो पूरा हमारा ये जो ऊपर वाला एरिया था वहां पे ये जो राइट्स थे ये फैलते चले गए। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस दैट ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट ऑल्सो डिवाइडेड। और जब ये सारी सिचुएशन कंट्री में बन गई थी तो माउंटबेटन ने डिसाइड किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस उन्होंने अनाउंस की लेकिन विद डिवीजन एंड हेयर केम द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड यू हैव आल्सो रेड अबाउट पार्टीशन इन योर फर्स्ट चैप्टर इन फ्रॉम इन यू नो पॉलिटिकल साइंस बुक। तो किस तरीके से वहां पे पार्टीशन को डिस्क्राइब भी किया गया है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, कितने दंगे हुए थे उस वक्त और कितने सारे दोनों कम्युनिटीज को कितना नुकसान हुआ था। ऑन 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ और दिल्ली में जो कैपिटल बनी उसमें फेस्टिविटीज शुरू हो गई। बट महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट इन दिस ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिविटीज एंड ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कैपिटल एट दैट टाइम। ही मार्क्ड द डे विद अ 24-hour फास्ट। एक स्टेटमेंट भी दी हुई है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में कि इस दिन को एक खुशी का दिन भी माना गया था लेकिन उसके साथ साथ ये एक शोक के रूप में भी माना या कंसिडर किया इसको महात्मा गांधी ने, क्योंकि इंडिया आजाद तो हुआ था, वो एक खुशी का दिन था लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का विभाजन भी हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था। वो एक बहुत ही दुख का दिन था और विभाजन के साथ साथ जो इतनी ज्यादा वायलेंस होके इतने लोग जो मरे थे यहाँ पे या लोगों ने जो सफरिंग्स फेस की थी उनकी वजह से इसको एक शोक के दिन के रूप में भी महात्मा गांधी ने इसको कंसिडर किया। लेटर ऑन महात्मा गांधी इंसिस्टेंस द कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और इसके साथ साथ द कांग्रेस विश टू एश्योर द माइनॉरिटीज in India that it will continue to protect the interests of minorities and they will be given their citizens' rights against aggression. There was an attempt on Gandhiji's life on 20th January 1948 but he survived that attack. महात्मा गांधी ने अपना जब भी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जब से पार्ट लिया तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक इंडिया जो फ्री हो, लेकिन वो चाहते थे एक यूनाइटेड इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था एंड इंडिया गॉट डिवाइडेड व्हेन इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू इंडिया. ये चीज जो थी महात्मा गांधी को अनएक्सेप्टेबल नहीं रही और उसके बाद जब वो एक प्रेयर मीटिंग के लिए गए थे 30th जनवरी 1948 को, एट दैट टाइम गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन और ये जो असैसिन थे ही वॉज नाथुराम गॉडसे हु हैड डिनाउंस्ड गांधी जी एज एन अपीजर ऑफ मुस्लिम्स. तो ये गॉडसे का मानना था कि महात्मा गांधी जो थे वो मुस्लिम्स के अपीजर्स थे या वो उनको खुश रखना चाहते थे या खुश करना चाहते थे और इसीलिए ही वॉज शॉट डेड. How do we get to know about गांधी जी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का. सो जो लास्ट का पार्ट है उसमें सारे आपको दिए हुए हैं रेफरेंसेस कि किस सोर्स के थ्रू हमें पता चलता है पूरा महात्मा गांधी के बारे में और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट या कांग्रेस का उस वक्त जो भी आइडियोलॉजी रही उसके बारे में. सो पहली चीज तो जो है वो है राइटिंग्स एंड स्पीचेस. उसमें महात्मा गांधी की भी राइटिंग्स एंड स्पीचेस हैं और जो दूसरे उनके कंटेम्प्रेरीज थे उनकी भी राइटिंग्स और स्पीचेस हैं जिनके थ्रू पता चलता है पूरा उस वक्त की सर्कमस्टांसेस के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में. सेकेंड सोर्स इज द लेटर्स विच वर रिटन बाय महात्मा गांधी और दे वर रिटन टू महात्मा गांधी. जैसे 2-3 लेटर्स भी यहाँ पे दिए हुए चैप्टर में. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लेटर लिखे महात्मा गांधी को या महात्मा गांधी ने लिखे उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको लेटर लिखा और या महात्मा गांधी ने लिखा, तो उन लेटर्स को पढ़ के भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है. उसके बाद है ऑटोबायोग्राफीज. नेक्स्ट इज यू कैन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस वक्त तो उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनके अकॉर्डिंगली भी सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट मिली है हमें, या मतलब जो भी लोग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को पढ़ना चाहते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ना चाहते हैं, तो इन सोर्सेज के थ्रू सारी जानकारी मिली है महात्मा गांधी के बारे में और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में. इसके अलावा न्यूज़पेपर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. सो दैट ऑल यू कैन जस्ट यू कैन प्लान और प्रिपेयर इट फॉर एग्जाम बिकॉज उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास. Stay tuned for more videos. Keep watching my videos. Keep sharing with your friends and keep writing comments in the comment section so I can provide topics or I can include topics of your choice. Thank you so much. Stay tuned.